हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरा नाम है संदीप, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और मैं अपने इस चैनल में फ्रीडम वीडियोस में आप लोगों को एक्वेरियम से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड जानकारियां देता रहता हूं हमेशा ही। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कुछ खास फिशेस के बारे में, जो कि खाना नहीं खाती हैं, क्यों नहीं खाती हैं और क्या खाती हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को हमेशा फ्लोटिंग टाइप फूड के बारे में बताया था। फ्लोटिंग टाइप फिश फूड बोले तो जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, आप डाल देते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। ये इस तरीके के दाने होते हैं, ये पानी में तैरते रहते हैं, इनको फ्लोटिंग टाइप फूड बोला जाता है। जैसे ऑप्टिमम हो गया, टोक्यो ओरिजिनल हो गया, ये सभी फ्लोटिंग टाइप फूड होते हैं। और एक आज मैं फूड आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इसको बोलते हैं टेट्रा बीट्स कंप्लीट। इसके बारे में आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे पास था नहीं, अभी आया है तो मैं सोचा बना देता हूँ। तो इसको डालते हैं पहले इस वाले खाने को, ये फ्लोटिंग टाइप है, देखें पानी में तैर रहा है, डूबेगा नहीं, और इसे सिर्फ वही मछलियाँ खा पाएंगी जो पानी के ऊपर आके खाना खाती हैं, जैसे कि ये ग्रीन टेरर है, गुरामी है, किसिंग गुरामी है, लेकिन इसी में रेड टेल शार्क हैं, ये देखें रेड टेल शार्क और सकर कैट हैं, वो नहीं खा पाती हैं। वो तभी खाती हैं ये मछलियाँ जब वो खाना पानी के नीचे आता है या थोड़ी देर बाद डूब जाता है, पत्थरों पर फंस जाता है, जैसे कि पत्थरों को ही चाटने की कोशिश करती हैं। अब देखते हैं, ये टेट्रा बीट कंप्लीट है, अभी ये नई पैकेट है, अभी मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। इसका जो कीमत होती है वो इसके बॉक्स में हो सकता है लिखी हो, मैं पहले देख लेता हूँ प्रिंट रेट क्या है, उसके बाद मैं आपको इसका ओरिजिनल रेट बता देता हूँ। इसमें एक्चुअल में कोई प्रिंट रेट नहीं पड़ा हुआ है। जो इसकी मार्केट की वैल्यू है, जो इसको बेचते हैं हम लोग, वो 130 रुपए में बेचते हैं, 130 में। और ये ऐसे पैकिंग होती है, ओरिजिनल ऐसे पैक होगा जिसके ऊपर एक ये फॉइल लगा रहता है, उसके ऊपर भी टेट्रा लिखा होता है। इसको खोलते हैं। इस फूड को सबसे ज़्यादा दिल्ली और बॉम्बे के लोग यूज़ करते हैं, एक्चुअल में छोटे शहरों में, छोटे एक्वेरियम शॉप में मिलता भी नहीं है। फूड के कई सारे फायदे हैं। इस फूड का जो यूज़ होता है वो मेन कम्युनिटी टैंक में होता है, ये ऐसे रेड कलर से होता है। कम्युनिटी टैंक से मतलब ये है कि जिनमें ऐसे मछलियाँ डाली हुई हों, जो मछलियाँ नीचे भी रहती हैं ऊपर भी रहती हैं, जैसे डिस्कस हो गई, डिस्कस नीचे रहती है, एरोवाना ऊपर रहती है, तो इस फूड को एरोवाना नहीं खाएगी, ये डूब जाएगा पानी में, जैसे कि देखिए तुरंत ये पानी में डूबता जाएगा और नीचे पहुंच जाएगा पत्थरों में। और ये फिशेस के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, इसको आप इम्पोर्टेड फिशेस हैं जैसे स्टिंग रे है, डिस्कस है और पैरेट वगैरह हो गई, चिकलेट हो गई इम्पोर्टेड कोई भी, वो सारी फिशेस इसे खाएंगी और बहुत मज़े से खाती हैं, आप देखना इसे। और इसे आप छोटी फिशें जैसे एंजल वगैरह, इन्हें भी आप तोड़ ऐसे हाथ से हल्का सा तोड़ देंगे ना तो ये टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और इन्हें डाल देंगे ना तो ये खाने लगेंगी। ये एक्चुअल में मेन टेट्रा, डिस्कस और पैरेट के लिए बनाया जाता है, रेड टेल शार्क, इसे गोल्ड फिश के लिए, गोल्ड फिश को नहीं देना चाहिए, गोल्ड फिश के लिए सही नहीं लगता है मुझे ये। तो जो लोग बोलते हैं उनकी मछलियों के कलर डाउन हो रहे हैं, कौन सा फूड खिलाएं कि कलर अच्छे हो जाए, जैसे कि पैरेट हैं, ग्रीन टेरर हैं, ऑस्कर हैं, ये मेन छोटी फिशेस के लिए ज़्यादा सही है। और जिन मछलियों के मुंह छोटे होते हैं, जैसे एंजल हो गई, डिस्कस हो गई, उनके लिए, उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा खाना है। मैं आप लोगों को अभी इसे पैरेट फिश को खिला के दिखाता हूँ। ये देखें कितने अच्छे से खा रही हैं, और ये देखें फूड भी पूरी तरीके से पानी में फैल गया है और सारी पैरेट्स खा रही हैं इसे। ये जो पैरेट फिश है, इनका जो रेट है 550 रुपये पेयर है, लगभग 275 रुपये की एक। इधर मेरी बड़ी ऑस्कर है, मैं उसे भी खिला के दिखाता हूँ, देख ही रही है सबको, थोड़ा सा देखने में खतरनाक जरूर है पर उतनी खतरनाक है नहीं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इसे बड़ी मछलियों को खिलाओ,
वैसे आप खिलाएंगे तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतने मज़े से नहीं खा रही है। वैसे मैं अपनी सॉस्कर को ये एक्सो का एवर रेड फ्लावर हॉर्न का फूड है उसे खिलाता हूँ। इसके दाने ऐसे होते हैं एकदम बड़े बड़े। चलिए इसे फ्लावर हॉर्न को खिला के दिखाते हैं। इसे भी दोनों ही चीज़ खिलाएंगे, आपका टेट्रा बीट कंप्लीट और एक्सो का हाई रेड। अभी वो खेल रही है, थोड़ा सा डरी हुई है, आवाज़ आ रही है ना। पहले तो मैं करीब दो दाने एवर रेड के दूंगा, एक्सो का है। उसके बाद इसमें टेट्रा बीट कंप्लीट डाल के देखते हैं कि कैसे करती है, खाती है, क्या करती है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को, में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, जिससे आप लोग ऐसे ही एक्वेरियम से रिलेटेड और नई जानकारी, नई प्रोडक्ट्स, जबकि टेट्रा बीट को शायद वो इतने मज़े से नहीं खाई है, उसे खाने के बाद वो भग गई, उसे लगा वो क्या खा ली है। इधर बगल में एल्बिनो टिम फाइल बार है, इन्हें डाल के देखते हैं ये खाती हैं या नहीं खाती हैं। एक्चुअल में जब मछलियाँ नई होती हैं ना तो भी खाना नहीं खाती इतना जल्दी से। तो अभी ये आया हुआ था इन्फिसिस का लॉट, करीब दो दिन हुआ है, फिर भी ये खा रही हैं। देखें पूरा फूड एकदम ज़मीन में ग्लास में है और फिश उसे नीचे से उठा उठा खा रही है। तो अगर फिश डरी हुई भी होती है और जो फिशेस पानी के ऊपर नहीं आती वो भी इसे आराम से खा लेती हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सबसे मेन चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल में मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोग हमेशा ही ऐसे नॉलेज वाले वीडियोज़ एक्वेरियम से रिलेटेड देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।